जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा तथा सीएमएस को जमकर खरी खोटी सुनाई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। मामला फिरोजाबाद के जिला अस्पताल का है, जहां सैलई निवासी 8 वर्षीय अमित उर्फ अनिल को डायरिया के चलते बीती रात्रि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते सोमवार की सुबह अमित की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हंगामा के चलते पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत कराया। हेक्स न्यूज के लिए अमलेश राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ये क्या क्या मामला हुआ था? ये किस कब एडमिट कराया था आपने? क्या मानते हैं किस वजह से मौत हुई है बच्चे की? लापरवाही से रात को निकल गई तो मैंने बोला लगा दो, अरे वो सवेर लगेगी हम तो सही है, बोल गए चलेगा कुछ नहीं। कौन थे मैडम की और वो जने थे? क्या नाम है उनका बताएं? तो मुझे सब नहीं मालूम। तो ये सुबह के टाइम पे हुई मौत? एक घंटे पहले, एक घंटा भी नहीं हुआ, डॉक्टर साहब आए, हमने कही सर मेरे बच्चे की हालत ज़्यादा गंभीर है, तो बोल रहे दूसरा आदमी वहाँ बैठा कि हमारे छाती में डाल दिला के कुर्सी में बैठ जा के। तो रात से इसी तरह लापरवाही, रात से देखा नहीं किसी ने? किसी ने नहीं देखा रात से, अभी आए डॉक्टर साहब तभी क्या साल का बच्चा है आपको? क्या नाम है बच्चे का? अरुण, अमित नाम से। आप कहाँ रहते हो? आप क्यों आए हॉस्पिटल में? दवा लेने आए। अच्छा, क्या मामला हुआ था, ये किस तरह से आपको मालूम है? हमने इनको आकर पूछा सारी बातें, इन्होंने बताई कि हमारे बच्चे की रात में दिल निकल गई, हम भी उधर ही रहते थे सैले। आपका क्या मानना है, लापरवाही से जान गई? लापरवाही से जान गई। इसी तरह से ये सबसे पेश आते हैं? हम भी अपने भाई को लेके आए, मुँह बनाया, उसकी बीवी नहीं थी, उसको भी इसी रात में ऐसी ड्रामा किया, फिर हम छुट्टी करा कर ही ले गए। माँ से भक्ति करते थे, ना कहते पलंग ही खाली नहीं है। जो आज का मामला है, जो 5-6 साल का जो बच्चा खत्म हुआ है और लापरवाही से खत्म हुआ है, उसके विषय में आपको क्या कहना है? वास्तविक ये है और सच भी ये है कि जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है, डॉक्टर अपनी पूरी तत्परता के साथ प्रत्येक मरीज को बचाने का काम करते हैं, वो हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर जांच हो जाएगी, अगर जांच में कोई भी आदमी दोषी होगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि कल शाम को उन्हें भर्ती कराया था, कई बार वो चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए कंप्यूटर के पास, डॉक्टर के पास, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। आखिरकार अंजाम ये देखने मिला कि बच्चा खत्म हो गया। अभी हमारी सीएमएस साहब से बात हो रही है और सीएमएस साहब ने भी कहा है कि हम अभी दिखवाएंगे, जाँच कराएंगे, अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक, आए दिन इस तरह की समस्या देखने मिलती है, फिर भी कोई समाधान नहीं होता इसका? नहीं नहीं, सीएमओ, ये सीएमएस साहब निरंतर इस समस्या को से जूझ रहे हैं और कोई भी इस तरह की समस्या हो रही है तो उसमें पूरी तत्परता भी दिखा रहे हैं और दिखानी भी चाहिए मानव होने के नाते, और आगे ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए, जाँच हो, जाँच में दोषी हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, है ना, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सरकार की तरफ से और भी डॉक्टर लाए जा रहे हैं जिससे इन समस्याओं से निपटारा पा सके। मरीज है, उसके परिजन मेरे पास आए थे, तो परिजनों को कुछ जो स्टाफ का नर्स में मेल स्टाफ नर्स था उसकी शिकायत कर रहे थे कि शायद उसने कुछ उनसे बोलने में, उसके ट्रीटमेंट या उपचार देने में वो शिकायत नहीं कर रहे थे, बोलने की उनकी दिक्कत हो रही थी कि उसने कुछ उनसे ऐसा बोल दिया था जो कि उन्हें आपत्तिजनक लगा था। तो लेकिन तभी मैंने पूरे मामले को स्वयं जाके वार्ड में देखा है और मैंने जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके सबके नाम नोट करके मैं इसकी पूरी प्रकरण की जांच करूंगा। यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि ये मैसेज जाए कि हमें मरीज के परिजनों से, मरीज से न केवल मरीज का अच्छे से उपचार करना है बल्कि मरीज के परिजनों से हमें इतनी इस भाषा शैली में बात करनी है, इस तरह से बात करनी है कि उनको किसी तरह की पीड़ा ना पहुँचे। डॉक्टर साहब, इस तरह की मैं इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा और इस बात को देखूंगा कि अगर इस तरह से कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि उसे भविष्य के लिए दूसरों को भी और उसको भी सबक मिले। नहीं, कई बार ऐसा देखा गया है डॉक्टर साहब कि मरीजों के परिजनों के साथ ऐसी अभद्र व्यवहार किया जाता है। देखिए, बताएं, कई बार मरीज के परिजन तो रोष में रहते हैं, लेकिन स्वाभाविक है मरीज बीमार होता है तो उसके परिजनों का रोष में होना स्वाभाविक है, लेकिन चिकित्सा कर्मियों का ये कर्तव्य है कि वो उसके रोष को भी सहन करके और उनसे विनम्र भाषा में ही बात करें। यदि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो पहले मैं उन्हें समझाता हूँ।